सबसे बड़ा काम किसने किया? हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूत केतु नामक राजा राज करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जीमूत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं ऐसा मत करो, युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप राजकुमार के साथ मल्याचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहां जीमूत वाहन की एक आर्षी के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैव योग से उन्हें मलयकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता ना करो, मैं उसकी जगह चला जाऊँगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे छोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा, जिस पर राजा का नाम खुदा था, उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़ तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिंदा कर दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन यह बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा बोला, जीमूत वाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जीमूत वाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे लाया तो उसने फिर एक कहानी सुनाई।